भारत में पाकिस्तानी सीमा हैदर पर बवाल, मायावती कब सीमा हैदर पर तोड़ेंगी चुप्पी। भारत में पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर बवाल जारी है, अब तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है। भारत में सीमा हैदर इतनी फेमस हो गई है कि हर कोई उस पर अपना बयान दे रहा है, यहां तक कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीमा हैदर पर अपना बयान दे दिया है। लेकिन इन सबके बीच हर मुद्दे पर हुंकार भरने वाली बसपा प्रमुख मायावती इस मुद्दे पर चुप क्यों है, कब इस पर वो चुप्पी तोड़ेंगी, ये सवाल है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर बवाल मचा हुआ है। अपने प्यार सचिन के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को कौन नहीं जानता, अब इनकी लव स्टोरी फिल्मी कहानी जैसी लगने लगी है। इस पर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, यहाँ तक कि ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है जिस पर हर राजनेता अपना बयान दे रहा है। अब जैसा कि बसपा प्रमुख मायावती हर मुद्दे पर अपना बयान देती है, तो लोग सोच रहे थे कि इस पर तो मायावती जरूर बयान देंगी, लेकिन उन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी है। मायावती पाकिस्तानी सीमा हैदर पर क्यों है चुप? अब मायावती की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हर मुद्दे पर बोलने वाली मायावती इस मुद्दे पर चुप क्यों है, इसका कारण क्या है। फिलहाल इस पर लोगों का कहना है कि क्योंकि बसपा अपनी पहली वाली इमेज वापस से बनाना चाहता है और 2024 में बीजेपी और विपक्ष दोनों को हराना चाहता है, इसलिए वो 2024 पर ही फोकस कर रहा है और राजनीति के अलावा बाकी मुद्दों पर बोलने से बच रहा है। इसीलिए यही कारण हो सकता है कि मायावती इस मुद्दे पर चुप है, इस मुद्दे को इग्नोर कर रही है। हालांकि इस पर हमारा चैनल कोई पुष्टि नहीं करता है, ऐसा लोगों का कहना है। मायावती कब तोड़ेंगी चुप्पी, अब ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर लोगों का ये कहना है कि मायावती इस पर तभी चुप्पी तोड़ सकती है जब इस पर कोई फैसला आ जाए, सीमा पाकिस्तान जाएगी या भारत में रहेगी, ये जब क्लियर हो जाए तब शायद मायावती इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर सकती है। फिलहाल बात की जाए सीमा हैदर की, तो आज भारत का बच्चा बच्चा उसे जानता है। सीमा का नाम सुनते ही लोग उसकी पूरी कहानी सुनाने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यूपी एटीएस ने सीमा, सचिन और सचिन के पिता से लंबी पूछताछ की थी। जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। सीएम योगी ने सीमा पर क्या कहा? जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे पर पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना बयान दिया है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए इंटरव्यू में सीएम योगी से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा ये दो देशों से जुड़ा हुआ मामला है, संबंधित एजेंसियां इस पर अपना काम कर रही हैं, जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर विचार किया जाएगा। देखिए ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं, दो देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं। वही सीमा हैदर का बयान भी आपको अंत में सुना देते हैं। आपको क्या लगता है मायावती इस पर कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। सच तो बोला, अब समझा पाए या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी, उन्होंने पूछा मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी, जब आप जब जहाँ चलती कैसे बात हुई आगे की, जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूंगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, तो मैंने जो सच था वो बोला है, आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते पाकिस्तान, आपको भी अगर भेजा गया तो? ऐसा कैसे करेंगे, मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, आज यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव यकीन है मुझे, भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी ट्रस्ट है, तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू, पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, हाँ। सचिन लेके गए थे यहाँ से, क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे, वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था, पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी, वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे, वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं बिल्कुल, मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे, वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी, मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है,
तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो, हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी हम लोग, यही हमारी जाँच चल रही थी सर, इसी कारण जी। बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है। और मुझे भरोसा है ना, बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे।